गुड इवनिंग डियर फ्रेंड। ये हम जीत गए, हम पहुंच गए हैं WTC के फाइनल में, और ये सारा दारोमदार WTC के फाइनल में पहुंचाने का पूरा श्रेय जाता है केन मामा को। जैसे शिवराज मामा है वैसे हैं केन मामा, तो केन विलियमसन हमको पहुंचा दिए हैं WTC के फाइनल में। नहीं तो क्या ही कोई सोचा था कि क्या इंडिया ये जो अहमदाबाद टेस्ट सीरीज है वो जीत पाएगा, घंटा नहीं जीत पाएगा। मैं तो पहले दिन से बोल रहा था कि ये फ्लैट पिच में हमेशा हमेशा ड्रॉ होता है अगर दो टीम इक्वल हो। अगर आप सोच रहे थे फिर भी कि इंडिया की ये जीत होगी, तो मैं फिर आज भी बोल रहा हूँ आप चूतिए थे। तो आज के पहले मैच दोनों दोनों चीजें बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे इंडिया ऑस्ट्रेलिया के हुए ड्रॉ की। तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला हुआ जाने वाला जो ट्रॉफी होता है, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी बोलते हैं, कोई भी टेस्ट सीरीज जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जाता है 1947 से अभी तक, सबको सबका नाम दे दिया है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। इसके बीच थोड़ा बताते हैं, आजादी के बाद और पहली टीम जो इंडिया विजिट की थी, फॉरेन फॉरेन टीम जो टेस्ट सीरीज खेली आई थी वो थी ऑस्ट्रेलिया। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में इंडिया का ऐसा इमेज है कि इंडिया को अपने होम ग्राउंड पे कोई नहीं हरा सकता, ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया के होम ग्राउंड में नहीं हरा सकता। ये टूटा था 2018-19 के बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में, और फिर 2020-21 के बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में फिर से हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया का विनिंग स्ट्रीक रोका था, और अभी के 22-23 के बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में फिर से हम लोग ऑस्ट्रेलिया ने हरा दिया। तो हम लोग तीन कंजिक्यूटिव बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के विनर रहे, और ये बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हम लोगों ने जीता है 2-1 से। पहला दो टेस्ट इंडिया ने जीता, एक एक ऑस्ट्रेलिया ने जीता, और ये टेस्ट रह गया ड्रॉ। ये टेस्ट अभी जो भी सोच रहे थे कि ये टेस्ट का रिजल्ट आएगा, तो घंटा रिजल्ट आने वाला नहीं था भैया। आपके सामने वो नामबिया की टीम नहीं खेली थी, आपके सामने जो टीम खेली थी उसका नाम था ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है बहुत ही तगड़ी टीम है, और वो जो एसपीडी स्मिथ, लंबू सेन, ये लोग वर्ल्ड के नंबर 1-2 बैट्समैन है। वो तो आप रैंक अंडर पिच पे उन्हें हरा सकते हैं, ये सब बाकी पिच पे उन्होंने आपको टच भी नहीं कर सकते। वो सब महान प्लेयर्स है, वो नंबर 1-2 ऐसे नहीं होते हैं टेस्ट में, समझ रहे हो। तो खैर, हमारे पास भी टेस्ट का नंबर 1 बॉलर था जिसका नाम था आर अश्विन, और आर अश्विन ने ले लिया है क्या बोलते हैं उसको, मैन ऑफ द सीरीज। और विराट कोहली 41 मंथ के बाद हुए हैं मैन ऑफ द मैच ये फोर्थ टेस्ट में। ये फोर्थ टेस्ट इंडिया जीत गई है, सॉरी ड्रॉ हो गया है, और इंडिया पहुंच गई WTA के फाइनल में, जो कि ऑस्ट्रेलिया के साथ खेला जाएगा जून में लॉर्ड्स में, और मैं वहां पे रहूंगा और मैं वहां से लाइव कवरेज दूंगा। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हुआ है वो हुआ है केन मामा जो न्यूजीलैंड के थे, वो लास्ट बॉल। न्यूजीलैंड भैया आप कर क्या रहे हो, टेस्ट मैच को T20 बना दियो, लास्ट टेस्ट बॉल तक लेके जा रहे हो। लास्ट बॉल पे मैच गया था, लास्ट बॉल पे एक रन चाहिए था, केन मामा ने बना लिया। वैसे हम मन तो एक बॉल पहले जीत गए थे, WTC के फाइनल में पहुंच गए थे, क्योंकि ड्रॉप पे भी अपन पहुंच ही रहे थे फाइनल में। बात करनी पड़ेगी केन मामा की, क्या कूल काम पेशेंस से बैटिंग किया, और केन मामा ने प्रूव कर दिया कि विराट कोहली के दोस्त हैं, और इसीलिए अपने को इंडिया को पहुंचा दिया उन्होंने WTC के फाइनल में। वो WTC का ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, लास्ट बॉल पे जो रन भागा है ना, वैसी रनिंग बिटवीन द विकेट होनी चाहिए, ना कि धोनी वाली और ना कि आपकी हरमनप्रीत कौर वाली। एक हरमनप्रीत कौर ने इंडिया को फाइनल में पहुंचने से रोक दिया था, और धोनी वाली, और ये फाइनल में पहुंचा दिया केन मामा का एक रन लास्ट बॉल का। तो कॉन्ग्रेचुलेशन केन मामा फॉर डूइंग इट फॉर अस, हम लोग आपके शुक्रिया अदा है। 279 रन का लक्ष्य था, मुझे लगा था आराम से बन जाएगा, लेकिन असल में क्या हुआ, सुपर इंद्रदेव जो थे वो मेहरबान थे श्रीलंका के साथ। इंद्रदेव लग रहा है कि मेहरबान थे, और खूब सारी बारिश हुई, मुझे तो एक टाइम ऐसे डर भी लग रहा था मैच ड्रॉ ना हो जाए, लेकिन खैर ड्रॉ भी होता तो अपन पहुँचते। खैर बात करेंगे अभी, आज बात फिर से घट ये है, RCB का मैच है कल भैया। हरमनप्रीत कौर, आपने तो दिल जीत लिया है। हरमनप्रीत कौर, मैं वीडियो के से बोलता हूँ, प्यार हो गया मेरे को आपसे, क्या आप बैटिंग कर रहे हैं, आप बैटिंग से प्यार हो गया आपकी। तो इंडियन टीम जो ये है ना, जो इंडियन टीम की कैप्टन रही है, पता नहीं वो लोग शादी क्या नहीं करती है, B8 अंजुम चोपड़ा, B8 मिताली राज, अभी हरमनप्रीत कौर जो बड़ी बड़ी इंडियन टीम की कप्तान रही है, पता नहीं शादी से क्यों दूर है। तो हरमनप्रीत कौर, अगली वीडियो में आपके लिए सही बोलूँगा क्या खेला कल, आप मुंबई इंडियंस के लिए लवी हो गया आपके लिए, तो दुआ में याद रखे, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। PSL तो अभी नहीं है, सुना कि साइन साफरीदी जो है वो कप्तान बनने वाले, यार क्या चल रहा है यार तुम्हारे, यार बाबर आजम को कप्तान रेस्ट देने की बात करो, बाबर आजम बोले मुझे लड़ाई पीट हो गया है, बाबर आजम मेरे को रेस्ट की तरफ, मैं नहीं खेलूंगा, मैं तो खेलना चाहता हूँ, साइन साफरीदी को कप्तान बने, फिर एक और किसी बंदे का, इमाद वसीम में किसी का नाम आ रहा है कि वो कप्तान बनेगा, पता नहीं चल क्या रहा पाकिस्तान क्रिकेट में। रमी जादा अलग स्टेटमेंट दे रहे, सब अलग दे रहे, पता नहीं कप्तान है कौन, क्योंकि सब तो कप्तान है, रिजवान भी कप्तान बनना चाहते हैं, साइन साफरीदी, बाबर आजम भी, भैया कितने कप्तान, PSL के मैच करवाओगे ना तो ऐसे ही होगा। चलो बाय।